क्या आप चाहते हो फोटो हमारे MB में सेव हो, क्या आप चाहते हो कि फुल HD में सेव हो? तो गाइस यहाँ प्रॉब्लम आपको बहुत सारा आती है पिक्सआर्ट में। जब फोटो सेव करते हो तो जब अच्छे तरीके से फ़ोटो को एडिट करते हो, आप सेव करते हो, तो आपका जो साइज़ है बहुत कम हो जाती है, आपका क्वालिटी जो फ़ोटो का घट जाती है। तो यहाँ पे जब आपको ये है ना, फ़ोटो का तो क्वालिटी तो कम कर ही देता है, और जो कि बाद में तो पता चल जाता है कि क्या यार इतना मेहनत हुआ सारा बेकार हो गया है। तो आज आपको पूरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा और आपको एकदम बढ़िया से मैं बताऊँगा गाइस। तो आज ये चीज़ सीख के जाना गाइस, छोड़ना मत। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक तो बनता है गाइस। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस लेट्स गो, हो जाएगी। तो गाइस चलो बताते स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट ओपन करना है। पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद मैं आपको पहले दिखाऊंगा, ठीक है? तो चलो मैं ऐसे नॉर्मल से जो फोटो है मैं उसको एडिट करके देखता हूँ, ठीक है? तो मैं चलता हूँ ऑल फोटोज में। और हमारा बैकग्राउंड जो है भाई कहाँ है, तो ये ठीक है। तो मान के चलो एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, ठीक है? तो इसमें हम आप लोग जो बिगनर है उसको क्या करते हैं आप लोग कि आप लोग सिंपल जाते हो, जो बिगनर जिसको पता नहीं है उनके लिए वीडियो है। तो आप लोग क्या करते हो, नॉर्मल जाते हो फोटो पे, ऐड फोटो पे क्लिक करते हो और फोटो को यहाँ पे ऐड करते हो और सीधा इसको यहाँ पे डन कर देते हो। चलो मान के चलो एग्जांपल में अच्छे तरीके से सेट कर लिया, ओके करके अब मान के चलो कि यहाँ पे पूरा सारा अच्छे से एडिट कर लिया, अब लास्ट आपको सेव करना है, ठीक है? तो आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट इस पर यहाँ पे क्लिक करते हो और डायरेक्ट यहाँ पे सेव पे क्लिक करके आप सेव कर लेते हो। तो चलो देखते हैं फ़ोटो क्वालिटी क्या है और कितने MB भी सेव हुई, ठीक है? तो इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और चलता हूँ गैलरी में, जो कि जो फ़ोटो हमारा है मैं वो फ़ोटो देख लेता हूँ भाई क्या क्वालिटी में सेव हुआ है और नहीं। तो चलो भाई मैं लिया, तो देख सकते हो हमारा फोटो जो पिक्सआर्ट में सेव किया था उसको मैं यहाँ पे जाऊँगा टिन डॉट पे डिटेल्स में, यहाँ पे देखूँगा क्या गाइस। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो फ़ोटो है, फ़ोटो का जो साइज़ आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? आप पूरे अच्छे तरीके से देख लो, याद कर लो, ठीक है? तो यहाँ पे कितना है, 318 KB का फोटो सेव हुआ है, ठीक है? तो आपको इसको अभी से बचना है, आप इससे कितना अच्छे से क्वालिटी में फोटो सेव कर सकते हो गाइस। तो हमारे वीडियो को पूरा देखना गाइस। तो चलो बताते हैं, तो आपको तो इसको हटा देना, चलो गाइस मान के उसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? ताकि आपको पास प्रॉब्लम ना हो के देखने में, इसको डिलीट कर लिए, बस आप याद रखना। तो गाइस चलते हैं पिक्सआर्ट में। तो गाइस पिक्सआर्ट में जाने के बाद मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, पूरे अच्छे से डाल लेता हूँ गाइस। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको फोर फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक करना है। तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? साइज यहाँ पे इमेज साइज लिखा हुआ था, उसके बाद आपको सबसे लास्ट वाले में क्लिक करके इसको ओके कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ से मिनिमाइज हो जाना है, उसके बाद आपको जाना है फोटो जो कि जो भी आपका बैकग्राउंड है उस पर फोटो, तो मैं उसी बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ, ठीक है? तो हमारा जो बैकग्राउंड है आ चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज़ और गाइस जो कि टूल्स में जाकर हमेशा आप फोटो का साइज देखकर ही एडिट करना। तो मैं यहाँ पे जाकर मैं इसका साइज जो है बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं डन करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे उसके बाद आप फोटो को ऐड करना है यहाँ पे। तो मैं ऐड फोटो में जाकर फोटो को मैं ऐड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो चलो यहाँ पर जो है डन कर लिया। उसके बाद आपको सेव करना है, तो आपको सिंपल जाकर ड्रा में जाना है। ड्रा में जाने के बाद आपको स्क्रीन डॉट पर क्लिक करके यहाँ पे सेव इमेज पे क्लिक कर लेना है। तो चलो गाइस आप फोटो का साइज देखते हैं, तो इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, फिर से चलता हूँ गैलरी में। उसके बाद आपको फोटो का साइज, आप फोटो यहाँ पे आ चुके हैं, तो गाइस देखो हमारा पे, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो फोटो का साइज है कितने बड़ा हो, यहाँ पे MB मिस हो गया गाइस। तो आप देख सकते हो गाइस, ठीक है? सारा चेक देख लो गाइस, वो फोटो में KB में सेव हुआ, ठीक है? तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, ओके गाइस, तो बाय बाय।